पिछले हफ्ते 30 तारीख को सदन में गुजरात के गवर्नर द्वारा गैर संवैधानिक रूप से लोकायुक्त नियुक्त करने पर मुद्दा उठाया गया था। और अभी तक सरकार अपने तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे रही। सदन में वे उठे हुए मुद्दे पर ना उसका जवाब दे रही है, ना सदन के नेता उठकर उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जिसके कारण आज भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। और राज्यपाल द्वारा 163 एक का उल्लंघन करते हुए संविधान की अनुच्छेद 163 का उल्लंघन करने पर सभी विपक्षी दल एक आवाज से इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। और उनकी इस हठधर्मिता के कारण कि उसका स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दे रहे, जिसके कारण कार्रवाई बाधित हो रही है। गुजरात सरकार प्रतिबद्ध है कि लोकपाल होना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए वहां पर उसकी नियुक्ति गैर संवैधानिक तरीके से नहीं होनी चाहिए। आज लोकसभा में इंपीचमेंट का मोशन आना था, कल देर रात जस्टिस सेन का इस्तीफा मंजूर किया गया, जिसके कारण 2 बजे सदन को कानून मंत्रालय के मंत्री ने बताया और उसके बाद वो मोशन विड्रॉ हो गया। और उसके बाद गुजरात के मुद्दे के कारण ही सदन की कार्रवाई फिर पुनः ठप हुई कल तक के। चार बजे लोकसभा 4 बजे तक और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हुई। 30 तारीख से जब तक अब तक जवाब नहीं दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि कहीं उनको शुद्ध बुद्धि आएगी तो कोई रास्ता निकालेंगे। वो अभी तक हमारे पास में कोई सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है।